अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 610 के लेसन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नेचर नर्चर इंस्ट्रक्शन को। आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि नेचर और नर्चर में क्या फ़र्क है। नेचर जो इंसान की इननेट खूबियाँ होती है, और नर्चर जो है वो माहौल से जो अडॉप्ट करता है। नेचर और नर्चर की कुछ लिमिट्स होती हैं। मसलन, हम चूहों पर नर्चर का असर देखना चाहते हैं, यानी अगर हमें इन्हें कुछ सिखाना है तो खाने की लालच देना होगी। इसके अलावा किसी भी चीज़ से वो नहीं सीखेंगे, यानी ये चीज़ इनके नेचर में शामिल है कि किस किस्म का नर्चर इनको इन्फ्लुएंस करेगा। आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। मैं इसमें कहना चाह रहा हूँ कि हम चूहों पर नेचर का सॉरी नर्चर यानी माहौल का असर देखना चाहते हैं, यानी हमें अगर इन्हें कुछ सिखाना है तो खाने का लालच देना होगा। इसके अलावा अगर वो किसी भी चीज़ का हम लालच देंगे सिखाने के लिए तो वो ये चीज़ नहीं सीखेंगे, क्योंकि ये चीज़ इनकी नेचर में शामिल है कि किसी किस्म का माहौल का या नर्चर का इन्फ्लुएंस वो उसी वक्त होगा जब वो उनको हम कोई खाने की चीज़ देंगे। एथोलॉजी, अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज़ द बिहेवियर इन इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एथोलॉजी। फिक्स पैटर्न जिसमें एक स्पीशीज़ में बिहेवियर इवॉल्व हो जाता है तो वो थ्रू आउट उसी के साथ चलता रहता है, उसी स्पीसी के साथ चलता रहता है, उसको फिक्स पैटर्न कहते हैं। बिहेवियर हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर वन, स्टीरियोटाइपिक। एक जानदार एक ही बिहेवियर के पैटर्न पर चलता है, और कह रहा है कि जिस तरह मसलन मोर है वो एक डांस करता है, तो मोर का जो डांस का पैटर्न है वो उसके औलाद में भी आगे इसी तरह है और शुरू से चलता रहा है। अगर हम चाहें उसके पैटर्न को रोकना कि नेक्स्ट जनरेशन में वो मुंतकिल ना हो, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। नंबर टू, इनेट। मुख्तलिफ स्पीशीज़ अपने बच्चों के साथ एक इनेट बिहेवियर है, जो कि स्पीशीज़ का बच्चों के साथ एक इनेट बिहेवियर जो कि वो माहौल से लर्न नहीं करते। नंबर सी, रिपीटेटिव। वो एक ही पैटर्न के बिहेवियर को रिपीट करते हैं। मसलन मोर के अंदर जो डांस है वो बच्चों में भी वही होता है, उसके आगे बच्चों नस्ल में भी यही सेम चलता आ रहा है, एक ही तरह का पैटर्न। आगे डी है, कंप्लीटेड। हम चाहते हैं कि चाहते हुए भी दूसरे जानवरों का बिहेवियर नहीं रोक सकते। अगर हम चाहते हैं कि मोर डांस करना रोक दे तो हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते, इसका ये बिहेवियर जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता। नंबर नेक्स्ट ई है कि इस तरह के बिहेवियर को हम लर्निंग के ज़रिए भी तब्दील नहीं कर सकते, ये बिहेवियर जो है ये इननेट है और ये हमेशा ही चलता रहेगा। कह रहे कि मैन इज़ अ जनरलाइज्ड एनिमल वेयर अदर एनिमल्स आर स्पेशलाइज्ड। मैन को जनरलाइज्ड एनिमल और दूसरे एनिमल्स को स्पेशलाइज्ड एनिमल कहा जाता है। यहाँ पे कुछ क्रोमोसोमल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहे हैं कि XY क्रोमोसोम्स वाले मेल नॉर्मल होते हैं। अगर इनमें XY में एक इजाफी Y क्रोमोसोम आ जाए तो XYY ये इनकी एग्रेशन में इजाफा करेगा। रिसर्च के मुताबिक XYY क्रोमोसोम्स वाले लोग ज़्यादातर क्रिमिनल्स होते हैं। एक नॉर्मल फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन अगर इसमें एक इजाफी Y आ जाए तो XXY, तो इसमें कुछ मेल वाली खसूसियात आ जाएंगी, जिसमें XX नॉट यानी या XXY नॉट यानी एक क्रोमोसोम की कमी हो, तो ये एबनॉर्मलिटी है जिसे डाउन सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। जेनेटिक बेसिस, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। इट इंक्लूड्स कह रहे हैं कि क्रोमोसोम्स, जीन्स, प्रोटीन्स, जीनोटाइप, फिनोटाइप, म्यूटेशन, DNA आ रहे हैं, इन सबको हम इंशाल्लाह ताला वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्रोमोसोम्स कह रहे हैं कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि केमिकल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये सेल्स के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और इन पर जीन्स मौजूद होते हैं। इनकी तादाद 23 है इंसानों में और फ्रूट फ्लाई में 8। इंसानों पर हर एक पेड़ की शक्ल में मौजूद होता है, यानी कि टोटल 46 होते हैं। प्रोटीन्स क्या हैं कि प्रोटीन्स के पहले काइंड्स हैं, दो तरह की होती हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है जो कि दोज विच डिटरमाइन स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन ऑर्गेनिजम्स, बोन्स, टीथ, हेयर एंड अदर ऑर्गन्स। एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म में अहम किरदार अदा करते हैं। जीन्स एक्सप्रेस इन टू वेज, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप में वो जीन जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होती है, यानी वो खसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में आती हैं।
जैसे कद, बालों का रंग, आंखों का रंग वगैरह। और फिनोटाइप वो जीन जो कि एक बंदे का बिहेवियर जाहिर करती हैं, जैसे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है, बात करने का तरीका, सोचने की सलाहियत, फेस एक्सप्रेशंस वगैरह। ये था व्यूज आपका आज का लेसन, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।